आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इस घोषणा पत्र के पेज नंबर 35 पर लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है उसका दुरुपयोग हुआ है और बाद में नए कानून बन जाने से उसका महत्व समाप्त कर दिया गया है, इसलिए इस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो देशद्रोह वाला जो कानून है 124A उसे समाप्त कर दिया जाएगा। यानी देशद्रोह की जिन धाराओं के अंतर्गत भारत के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई की जाती है उस धारा को ही खत्म करने का वादा इसमें किया गया है। यानी अब कांग्रेस पार्टी देशद्रोह को और आसान बना देगी, अब भारत में देशद्रोह करना और आसान हो जाएगा। अच्छा, यानी सेडिशन लॉ के बारे में बताएंगे। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने एक नए हलफनामे में बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसमें उसने कहा है कि वो राजद्रोह कानून की समीक्षा करेगी और इसमें उचित बदलाव करने के लिए भी मोदी सरकार तैयार है। राजद्रोह कानून अंग्रेजों के जमाने का कानून है और आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कानून अंग्रेजों ने भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों के दमन के लिए बनाया था, उन्हें जेलों में डालने के लिए बनाया था, उस कानून का आजाद भारत में आज भी कैसे दुरुपयोग हो रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। Decide what you want to do because today you truly have been given Rahul Gandhi's vision before us. And what is his vision? His vision is to give state support to the Tukde Tukde gang. According to the Congress manifesto, army presence in Kashmir will be reduced and there will be no sedition laws anymore, which means everybody is free to abuse India. The Prime Minister has made a personal intervention on the sedition debate. The Centre in an affidavit has made it clear that it has decided to re-examine and reconsider the sedition law. Looking at this, I think it's a masterstroke coming in from the government. In the 3-page affidavit filed by the MHA, they've also spoken about the Prime Minister. It's a very, very rare occurrence, like our guests and lawyers would also know, that the Prime Minister's name is taken by the government of India in an affidavit. That name has been taken and then it's been said he wants the colonial hangover to be shed, and then it goes on to say they will reconsider and re-examine the sedition law. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बस यही है। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। I am sorry, Babu. लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक WhatsApp में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।